भारतीय विकेट कीपर वेस्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग दस्तानों पर बलिदान बैज को लेकर अब आईसीसी ने अपनी राय रखी है। आईसीसी ने बीसीसीआई को साफ कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग दस्तानों पर बलिदान बैज के निशान के साथ वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी से कहा था कि धोनी को इन दस्तानों के साथ खेलने की इजाज़त दे दी जाए। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने कहा है कि आईसीसी इवेंट्स में कपड़ों या खेल के सामान पर निजी संदेश या लोगो लगाकर नहीं खेला जा सकता। इसके साथ ही यह लोगों को विकेट कीपिंग दस्तानों को लेकर बनाए गए नियमों के विरुद्ध भी है। चलिए आपको बताते हैं, जिस बलिदान बैज पर खेल के मैदान में संग्राम हो रहा है वह बलिदान बैज क्या है? क्या है बलिदान बैज और क्या है इसे पाने का जुनून? मगर इसके लिए इंसान को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उसे सोचकर कई लोगों के होश उड़ जाते हैं। सीने पर मेडल्स, गुलाबी टोपी, उस पर पैराशूट, रेजिमेंट का निशान और सीने पर बलिदान बैज, सिर्फ यही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेज की पहचान नहीं है। सेना के सबसे घातक काबिल अत्याधुनिक हथियारों के अलावा बिना हथियारों के भी दुश्मनों का खात्मा करने में सक्षम होते हैं पैरा कमांडोज। पैरा कमांडो बनने के लिए सभी जवानों को बतौर पैरा ट्रूपर्स क्वालिफाई करना होता है। इसमें सिलेक्ट होने के बाद वह स्पेशल फोर्सेस को चुन सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल जवान ही पैरा ट्रूपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें उन्हें कई तरह के शारीरिक और मानसिक परीक्षण से गुजरना होता है। इसमें जो जवान हिम्मत हार जाता है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। टेस्ट में पास होने वालों को यूपी के आगरा स्थित पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहां उन्हें आसमान से 5 छलांगें लगानी होती हैं, जिसमें से एक रात को घने अंधेरे में लगाई जाती है। इसके बाद जवान पैरा स्पेशल फोर्सेज में जाना चाहते हैं उन्हें 3 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी होती है। इसका मतलब स्पेशल फोर्सेज के लिए ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। पैरा स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे मुश्किल होती है, जिसमें जवान को हर उस दर्दनाक चीज से गुजरना पड़ता है जिसे सोचकर ही एक आम इंसान की चीख निकल जाए। जवानों को सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है, मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है। बुरी तरह थके होने के बावजूद ट्रेनिंग चलती रहती है। खाने को न मिले तो आसपास जो उपलब्ध हो उसी से गुजारा करना पड़ता है। इतनी मुश्किल ट्रेनिंग को कई जवान बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इतनी दर्दनाक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवानों को गुलाबी टोपी दी जाती है, लेकिन इसके बाद उन्हें बेहद ख़ास चीज़ मिलती है, वो होता है बलिदान बैज। लेकिन इसे हासिल करने के लिए भी जवानों को खतरनाक परीक्षा देनी होती है। पैरा कमांडोज को ग्लास ईटर्स भी कहा जाता है, यानी उन्हें कांच भी खाना पड़ता है। यह एक परंपरा है। टोपी मिलने के बाद उन्हें रम से भरा ग्लास दिया जाता है। इसे पीने के बाद जवानों को दांत से ग्लास का किनारा काटकर उसे चबाकर अंदर निकलना पड़ता है। इसके बाद जवानों के सीने पर बलिदान बैज लगाया जाता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।